डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सब टॉपिक। हमारे पास सेकंड टॉपिक जो आ रहा है वो स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स, आज हमने स्क्रू गेज के बारे में स्टडी किया है, करना है। इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में स्टडी किया था। वर्नियर कैलिपर को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि वो वाली डिवाइस जिसको यूज करते हुए हम किसी भी चीज की थिकनेस को, डायमीटर को, किसी ऑब्जेक्ट के विड्थ को, इंटरनल डायमीटर को, एक्सटर्नल डायमीटर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। और वो हम फाइंड कर सकते थे 0.1 mm तक या 0.01 cm तक। अब अगर किसी चीज की हमने थिकनेस मेजर करनी है, इससे भी कम, 0.1 mm से भी कम अगर हमने मेजर करनी है, यानी 0.01 mm तक या 0.001 cm तक मेजर करनी है, तो उसके लिए हम स्क्रू गेज को यूज करते हैं। बेटा, स्क्रू गेज को स्टडी करने के बाद या स्क्रू गेज को पढ़ने के बाद हमारी बुक, प्रैक्टिकल नोटबुक का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, हम इजीली उस एक्सपेरिमेंट को कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज नंबर 2, 3, स्क्रू गेज को स्टडी करने के बाद हम उसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज से रिलेटेड है, उसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 6 वर्नियर कैलिपर से भी रिलेटेड है और स्क्रू गेज से भी रिलेटेड है, इसको भी हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज जो है, ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास स्क्रू गेज पड़ा हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन पे अगर बात कर ली जाए, तो ये एक आपके पास अगर देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला यू शेप आपके पास एक बनी हुई है। इस यू शेप में ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे एनवल बोलते हैं, एनवल। ये जो है, ये आपके पास स्पिंडल है। ये स्पिंडल को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द हेल्प ऑफ थिम्बल आप इसको रोटेट करवा सकते हैं आगे पीछे। एनवल और स्पिंडल के डिस्टेंस को, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, एनवल और स्पिंडल के डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये एनवल, ये स्पिंडल हमारे पास आ गई। ये जो है, ये वाला इसे रैचेट बोला जाता है। ये हमारे पास थिम्बल है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स मैं जरा क्लियर करके आपको दिखा सकूं, तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे जो है, दो तरह के स्केल आ रहे हैं। एक ये वाला स्केल है, ये नीचे वाला स्केल है, ये वाला। इस स्केल से आगे आगे इसे बोला जाता है ये मैन स्केल। और इसके ऊपर एक लाइन होती है, ये इस तरह की लाइन लगी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जिसे हम डॉटम लाइन या रेफरेंस लाइन का नाम देते हैं। इसी तरह इस स्केल के साथ एक और स्केल है, मूव करवा रहे हैं इसे सर्कुलर स्केल का। ये वाला जो स्केल है, ये वाला तो मैन स्केल आ गया। ये वाला जो स्केल है, ये नंबर आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे ये घुमाने से, ये लाइन्स के साथ 35, 36। तो ये वाला जो स्केल है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल, इसका नाम दिया जाता है। ये हमारे पास थिम्बल आ गई, ये रैचेट आ गई, सर्कुलर स्केल, मैन स्केल जिसके ऊपर डाटम लाइन और रेफरेंस लाइन, एनवल, स्पिंडल, यू शेप हमारे पास आ गई। अब फंक्शन क्या है, हमने इजीली हर एक फंक्शन को जो है हमने एक्सप्लेन करना है। मैं अगर इस थिम्बल को क्लॉक वाइज घुमाता हूं, तो एनवल और स्पिंडल के बीच में डिस्टेंस जो है वो मेरे पास कम हो जाता है। यानी मेरी मर्जी है डिस्टेंस बिल्कुल खत्म करूं या ना करूं। यानी क्लॉकवाइज घुमाने से एनवल और स्पिंडल का डिस्टेंस कम हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एनवल और स्पिंडल का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। रैचेट का फंक्शन ये होता है, जिस टाइम पे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं या इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमने इसको कितना टाइट करना है वो रैचेट की हेल्प से पता चलेगा। बहरहाल, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, मैन स्केल,
सर्कुलर स्केल, थिम्बल, रैचेट, एनवल, स्पिंडल और ये आपके पास यू शेप होगी। डाटम लाइन या सेंट्रल लाइन का नाम इसे दिया जाता है। स्टूडेंट्स ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहला स्टेप वर्नियर कैलिपर का, जिस तरह सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि नोट द लीस्ट काउंट। यहां पे स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट में जो सबसे पहले का स्टेप है वो हमने चेक करना है जी, नोट द पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड द लीस्ट काउंट। अब पिच क्या होती है? लीस्ट काउंट में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन एक्यूरेटली मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट। वो तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया, फिर फार्मूला भी होता है उस पर आएंगे। अभी पिच के ऊपर सर्कुलर स्केल जो है ना, वहां पे वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ डिविजन्स थी, यहाँ पे सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिविजन्स है। स्क्रू गेज में बाद सर्कुलर स्केल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स जो है जो मैंशन होती है नंबर ऑफ डिविजन्स वो 50 तक होती हैं। और बाज ऐसे होते हैं हमारे पास सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज में जिनके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स जो होती हैं वो 100 तक होती है। नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो 100 तक होती है। मैं थोड़ा सा इसको इलादा से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर लूं। ये हमारे पास मेन स्केल आ गया और ये उसके ऊपर जी सर्कुलर स्केल आ गया। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये सर्कुलर स्केल आगे आता जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये देखें ये एनवल और स्पिंडल का डिस्टेंस खत्म हो रहा है, इट मीन ये सर्कुलर स्केल भी आगे मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, इट मीन डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये भी पीछे मूव कर रहा है। इसके ऊपर हमारे पास ये, इसके ऊपर यहां पे एक लाइन होती है जी, ये वाली लाइन मिलीमीटर में गिवन होती है। ये हमारे पास इसका मेन स्केल होता है और ये वाला हमारे पास सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर इस तरह छोटी छोटी लाइंस होती हैं जिन्हें नंबर ऑफ डिविजन्स बोला जाता है। बास ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स 50 होती है और बास स्केल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स 100 होती है। स्टूडेंट्स मैं जो स्क्रू गेज यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो मेरे पास 50 आ रही है, 45 से आगे फिर 5 लाइंस है, यानी नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो 50 है। अब हमने पिच को समझना है। पिच ऑफ द स्क्रू क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू हमने क्या करना है, इस सर्कुलर स्केल को किसी एक, फॉर एग्जांपल डाटम लाइन के सामने मैं कॉन्साइडिंग डिवीजन चेक करता हूं जी। मेरे पास यहां पे चेक किया जाए डाटम लाइन के बिल्कुल सामने ये डाटम लाइन है मेन स्केल की, ये इसके सामने सर्कुलर स्केल है, इसकी डाटम लाइन है और उसके ऊपर नंबर गिवन है जी 5 रेफरेंस लाइन के सामने। मैं इसको एक टर्न देता हूं 360 डिग्री पे, यानी 360 पे घुमाता हूं। 5 से क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं? 5 से घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, अगेन डाटम लाइन के सामने 5 आएगी तो ये इसकी एक रोटेशन होगी। समझ आ गई स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं या क्लॉकवाइज घुमाऊं, मर्जी है 5 पे रख के, 10 पे रख के, जिस पे भी रख के घुमा रहे, एक रोटेशन ये होगी आपके पास। अब जिस टाइम मैं इसको घुमाऊंगा तो मैं ये देखता हूं कि ये जो डाटम लाइन है इसके ऊपर मिलीमीटर्स गिवन है और हर 2 मिलीमीटर के नीचे एक छोटी सी लाइन गिवन है। तो जो 50 डिविजन्स वाला सर्कुलर स्केल होगा वो मेरे पास हाफ डिविजन जो है, कंप्लीट डिविजन नहीं, हाफ डिविजन रोटेट होगा। अगर ये यहां पे था तो मैंने एक रोटेशन दी, अगेन 5 पे आया तो ये यहां पे आ गया, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दी तो इट मीन पिच ऑफ द स्क्रू क्या होगी आपके पास, रोटेशन जो हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं वो हमारे पास उसकी पिच हो जाएगी। समझ आ गई बात की? और जहां पे 100 वाला होगा तो 100 वाला हाफ डिविजन रोटेट नहीं होगा बल्कि वो फुल डिविजन आपके पास रोटेट होगा। इसलिए लीस्ट काउंट के लिए पिच ऑफ द स्क्रू के लिए मैंने लिखा है 0.5 mm, मीन हाफ रोटेशन उसकी हो रही है। अगर मैं 100 नंबर ऑफ डिविजन्स वाला लेता, सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स होती, तो फिर मैं पिच ऑफ द स्क्रू की जगह क्या लिखता, 1 mm। मेरे पास 50 है तो 50 के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। स्टूडेंट्स अभी हमने चेक किया कि हमारे पास
पिच ऑफ द स्क्रू जो है 50 नंबर ऑफ डिविजन्स वाले के लिए जो बन रहा है वो 0.5 mm बन रहा है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 आ गई मेरे पास, तो ये रिजल्ट आएगा 0.01 mm। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मैं एक्यूरेटली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट ले सकता हूँ वो 0.01 mm तक मैं इजीली ले सकता हूँ। अगर सेंटीमीटर में लूँ तो 0.001 सेंटीमीटर। अगर 100 नंबर ऑफ डिविजन्स वाला है तो फिर भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि वहां पे फुल रोटेशन हुई, आप नहीं हुई, इसलिए मैंने 1/100 किया तो फिर भी रिजल्ट आया 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात की? यानी कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये था, नोट द पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स, हमने लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज अपने पास नोट कर लिया, विच इज इक्वल टू 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर वाले केस में हमने जहाज को क्लोज किया था, यहां पे जहाज तो नहीं है ना, यहां पे एनवल और स्पिंडल है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, एनवल और स्पिंडल के बीच का डिस्टेंस कम करवाएंगे। ये देखिए, मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूं, इजीली आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम हो रहा है। जिस टाइम पे हमें ऐसा नजर आएगा कि डिस्टेंस कम हो गया, हमने क्या करना है, पहले थिम्बल को यूज कर रहा था, या थिम्बल को ना भी यूज करें, रैचेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब देखें, जिस टाइम पे अब रैचेट को ये मैं घुमा रहा हूँ, क्लॉक वाइज घूम रहा है, पहले मेरी फोर्स कम लग रही थी क्लॉक वाइज घुमाने में, जिस टाइम पे डिस्टेंस ज्यादा था। अब जो ये दोनों आपस में एनवल और स्पिंडल टच हुए, फोर्स ज्यादा लगेगी घुमाने में। मैं जो ही रैचेट को घुमाऊंगा क्लॉक वाइज, मुझे एक छोटी सी क्लिक की आवाज आई, ये क्लिक की आवाज जहां पे आएगी उसके बाद मैंने नहीं घुमाना, उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स इसको जो है वो नहीं घुमाना। और मैंने चेक करना है यहां पे भी, हमने एरर को स्टडी करना है कि हमारे पास एरर कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, 1 द पिच एंड द लीस्ट काउंट, स्टेप नंबर 2 नोट द एरर। स्टूडेंट्स, इसका एरर किस तरह फाइंड करेंगे, इसके एरर को समझने के लिए मैं यहां पे एक छोटी सी डायग्राम भी साथ बना रहा हूं। ये मैन स्केल की डाटम लाइन है, ये सामने सर्कुलर स्केल है, इसके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स मेंशन है, 100 भी है 50 भी। अब जिस टाइम मैंने इस रैचेट को प्रेस किया था, क्लिक की आवाज आई थी, मैंने वहां पे छोड़ दिया, एनवल और स्पिंडल आपस में मिल गए, टच हो गए, रैचेट ने भी टिच क्लिक की आवाज दी, मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये चेक करूंगा, ये जो लाइन है मेरे पास डाटम लाइन थोड़ी सी नजर आ रही है, मैं यहां पे इलादा बता रहा हूं, मैन स्केल की डाटम लाइन के अगर सामने ये वाली जो सर्कुलर स्केल की लाइन है, अगर ये वाली जीरो होगी, आमने सामने मैन स्केल की डाटम लाइन सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन से सामने आ जाए, कॉन्साइड कर जाए, इट मीन कोई एरर नहीं है, एरर नहीं है। अगर है तो फिर क्या हो सकता है, या तो ये जीरो वाली लाइन ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। अब अगर सर्कुलर का जीरो लेट से मैं कह देता हूं यहां पे इस जगह पे आ गया, या लेट से मैं कह देता हूं यहां पे आ गया, अगर यहां पे आ गया इट मीन एरर है, यहां पे आ गया नीचे आ गया फिर भी एरर है, अगर राइट अप साइड पे होगा, अप वाली साइड पे होगा एरर। डाटम लाइन के ऊपर अगर एरर हो, डाटम लाइन के ऊपर सर्कुलर का जीरो चला गया, डाटम लाइन के सामने आ गया तो एरर नहीं है, अगर ऊपर चला गया इट मीन नेगेटिव एरर है, अगर नीचे आ गया तो आपके पास पॉजिटिव एरर है। स्टूडेंट समझ आ गई? फिर हम ये काउंट करते हैं कि कितना है, कितनी लाइंस ऊपर है या कितनी लाइंस नीचे हैं। अगर एरर होगा तो हमने अपने पास नोट कर लेना है कौन सा, अगर एरर है तो कौन सा है, पॉजिटिव एरर है या हमारे पास नेगेटिव एरर है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, इसका मैंने देखा है कि डाटम लाइन के बिल्कुल सामने
मैन का अगर जीरो देखा जाए, अगर देखा जाए तो डॉटम लाइन के बिल्कुल सामने जीरो आ रहा है सर्कुलर का, इट मीन यहां पे एरर हमारे पास नहीं है। यानी दो चीजें हमने नोट कर ली, पिच ऑफ द स्क्रू भी हमने फाइंड कर लिया, लीस्ट काउंट भी हमने चेक कर लिया, एरर भी चेक कर लिया। नहीं है, अगर होता तो मैं अपने पास नोट कर लेता पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऊपर होगा जीरो डॉटम लाइन से सर्कुलर का जीरो, ऊपर होगा तो नेगेटिव होगा, नीचे होगा तो आपके पास पॉजिटिव होगा। एरर फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, स्टेप नंबर थ्री ये होगा, अगेन हमने एनवल और स्पिंडल के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करना है ताकि हम किसी चीज की थिकनेस या डायामीटर को हम फाइंड कर सकें। थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं, डायामीटर भी हम एक्यूरेटली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास मेटालिक बॉब, ये हमारे पास मेटालिक बॉब है, इसको यूज करें, इसको भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। हमारे पास हम कोई भी वायर ले सकते हैं, उस वायर की थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज हम डायमीटर थिकनेस वगैरह हम इससे मेजर करके दे सकते हैं। मैं अगर इसको लूं, हमने क्या किया, एनवल और स्पिंडल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज किया एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा, फिर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, घुमाने के बाद ये जिस टाइम पे टच हो जाएगा, मैंने ज्यादा घुमाना नहीं है, रैचेट की मदद से देखना है, क्लिक की आवाज आ गई, मैंने यहां पे छोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, अगेन उसी तरह मैंने इसमें दो या तीन दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले मैंने चेक करना है कि मैन स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी आ रही है जी। अगर मैं इसके ऊपर चेक करके आपको बता सकूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं देखूं तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, वो 15 नंबर आता नजर आ रहा है, ये 15 से पीछे वाली लाइन यानी 14 मिलीमीटर ये मेरे पास ऊपर आ रहा है, और ये नीचे भी इस रेफरेंस लाइन को अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं, ये मेरे पास डाटम लाइन आ गई, इसके ऊपर इस तरह नंबर्स गिवन है मिलीमीटर में जीरो, इसके बाद ये फाइव, ये जीरो और वन के बीच में एक छोटी लाइन है, वन और टू के बीच में, टू और थ्री के बीच में, यानी हाफ वाली आपके पास गिवन है, चूंकि 50 नंबर ऑफ डिवीजन है ना, इसलिए हाफ गिवन है। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो है वो 14 है, और बस ऐसे भी हो सकता है 14.5, अगर नीचे वाली भी नजर आ जाए तो 14.5 उसके साथ हो सर्कुलर के साथ, तो मेरे पास 14 मिलीमीटर आ रहा है जी मैन स्केल। फिर मैंने सेकेंडली स्टूडेंट्स यहां पे ये चेक करना है, ऑब्जेक्ट रखने के बाद इस डाटम लाइन के सामने, ये वाली डाटम लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी नंबर ऑफ डिवीजन कंसाइड कर रही है उसके सामने। तो स्टूडेंट्स मैंने चेक किया तो मेरे पास जो कंसाइड कर रही थी वो 13 नंबर कंसाइड कर रही थी उसके सामने, उसके सामने जो कंसाइड कर रही थी मैं रीडिंग दोबारा इसकी चेक कर लेता हूं, यहां पे रखते हैं ये रीडिंग, चूंकि पहले से ली हुई है, मैं अभी नई रीडिंग इसकी ले लेता हूं। स्टूडेंट्स मैन स्केल रीडिंग जो यहां पे आ रही है जी 14.5 mm, 14 नहीं है 5 है, सर्कुलर स्केल के सामने वाली जो कंसाइड कर रही है वो कंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 39 है जी, कंसाइडिंग डिवीजन रेफरेंस लाइन की 39 नंबर है, 39 नंबर कंसाइड कर रही है। इससे पहले जो मैंने परफॉर्म किया था उसमें 13 कर रही थी, उसके लिए मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट यूज किया था, तो यहां पे ये कंसाइड कर रही है। हमने इसके लिए फार्मूला वही होगा जो हमने वर्नियर कैलिपर में यूज किया था, ऑब्जर्व रीडिंग के लिए फार्मूला होगा मैन स्केल रीडिंग
प्लस कंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो ये पहले वाली है, अभी यहाँ पे 13 की जगह 39 आ जाएगा। मेन स्केल रीडिंग 14.5 mm, कंसाइडिंग डिवीजन मेरे पास 39 आ रही है, और लीस्ट काउंट पहले हमने चेक किया था 0.01 mm। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास इसकी ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी। ऑब्जर्व रीडिंग हमें तो फाइनल रीडिंग चाहिए। मैंने पहले कहा है कि अगर मेरे पास एरर होता तो फाइनल रीडिंग के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग प्लस आर माइनस एरर। प्लस आर माइनस एरर मतलब ये, अगर एरर नेगेटिव होता तो ऑब्जर्व रीडिंग में क्या होता था, प्लस हो जाता। यानी मैं यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर देता हूँ फाइनल रीडिंग के लिए या डायमीटर के लिए। हम चूंकि डायमीटर फाइंड करने जा रहे थे तो डायमीटर या फाइनल रीडिंग के लिए, और फाइनल रीडिंग जो फार्मूला होगा हमारे पास, ऑब्जर्व रीडिंग ओ डाटा आर ऑब्जर्व रीडिंग प्लस आर माइनस एरर। नेगेटिव एरर होगा तो प्लस होगा, पॉजिटिव एरर होगा तो माइनस हो जाएगा।